आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। It's cool. स्कूल दवाई? ये ऐसे क्यों कह रही है? अब मैं आराम से अपना एक्सरसाइज कर सकती हूँ। राशि, देखो हमारे बड़े अगर हमें किसी चीज को करने से मना करते हैं तो उसमें हमारी ही भलाई होती है। देखो, मुझे डर इस बात का है कि इससे तुम्हारी हेल्थ पर कोई नुकसान ना हो। नहीं नहीं जीगा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। और देखिए, आपने कहा था ना कि आप इस बारे में बहुत सपोर्टिव होंगे। ठीक है, लेकिन संभल कर। ओके, अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राशि, अब ये लो बेटा, ये बच्चों के कपड़े हैं, मैंने फोल्ड कर दिए हैं, वक्त मिले तो कबर्ड में रख देना। चलो, ये दोनों भी चुप हो गए, अब मैं शांति से एक्सरसाइज कर पाऊंगी। कहीं मीरा रोई तो नहीं थी? नहीं, मतलब पहली बार आप लोग उसे अकेला छोड़कर आए तो कहीं वो। मोटा भाभी, मीरा की पाठशाला का प्रथम दिन और पहली बार वो हम सबसे दूर अनजान लोगों के बीच, तो रोना तो स्वाभाविक ही है। माँ जी, काकी जी, वो मुझे जरा काम है, मैं निपटा कर आती हूँ। गोपी बहू, तुम चाहे कितना ही खुद को संभालो पर तुम्हारी मनोदशा मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम मीरा से दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मीरा को लेने घर आ जाऊंगा, कम से कम आ तो उसे जरूर लेने जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, गोपी का दिल तो कैसा बैठा जा रहा होगा। मोटा भाभी, ये लो, कागड़ी माता आ गई। इसकी आंखें तो अपनी मम्मी चिलमैया जैसी ही है, हमेशा नजर रखती है, लेकिन नहीं पकड़ी गई तो इस बार मुझे नजर रखनी पड़ेगी। कोकिला, पर वो सब तो गोपी संभालती है ना? जी मोटा भाभी, कुछ समय पहले तक हम दोनों संभालती थी, पर अब देखिए, देखते ही देखते गोपी वो उससे धीरे धीरे सब कुछ संभालना शुरू कर दिया। बस अब तो यही चाहती हूँ मैं कि
राशि भी कुछ सीख ले, कुछ आगे बढ़ जाए। सीख लेगी कोकिला, राशि भी सीख लेगी। पर एक बात तो है मोटा भाभी, समय कैसे बीतता चला गया पता ही नहीं चला। कभी सोचा ही नहीं कि बहुएं आएंगी, पोते पोतियां से घर भरा होगा। कोकिला, तब हमारे पास वक्त ही कहां था? बच्चों को पालने में और घर संभालने में हमें मौका ही कहां मिलता था ये सब सोचने का। सो तो है, समय और ऊंचा उड़ता चला जाएगा और हमारे देखते ही देखते राशि और गोपी वो आपका और मेरा स्थान पूरी तरह से ले चुकी होंगी। नहीं होगा, वैसे भी हम इनकी जगह लेंगे तो जरूर, लेकिन इनके जैसे तो नहीं दिखेंगे, कम से कम मैं तो नहीं। नहीं, नहीं राशि, तुझे करना ही होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, और मैं करूंगी। यस। मीरा, मम्मा को माफ कर दे। मम्मा जो कुछ भी कर रही है सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए कर रही है। मम्मा नहीं चाहती बेटा कि मैंने जो कुछ सहा है वो तुम्हें सहना पड़े। कोकिला, रोज तो यूं लगता है जैसे समय आगे नहीं बढ़ता, भागता है। हाँ मोटा भाभी, आज तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे समय थम गया है। पता नहीं मीरा ने कुछ खाया पिया होगा या नहीं। सो जा बेटा, सो जा, सो जाए तो अच्छा है, बहुत रोई है बेचारी, थक गई होगी। मीरा के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है, लेकिन अच्छा ही है कि वो घर में नहीं है, वरना तो मुझे एक्सरसाइज करने ही नहीं देती। और ऊपर से आजकल ये नया है, मुझे गाल फुला के मोटू मोटू कहती। जय श्री कृष्ण। गोपी जल्दी चलो, 15 मिनट रहेंगे छुट्टी होने में। माँ जी, काकी जी, हम आते हैं। हाँ है, तुम दोनों जल्दी से निकलो, देर नहीं होनी चाहिए। वैसे तुम कल रात से खांस रहे हो, सर्दी जुकाम हो गया है तुम्हें, वापस आकर कफ सिरप पी लेना। अब जल्दी जाओ। चलिए। अरे टीचर, ये सो गई? ये तो खेलते खेलते ही सो गई थी। टीचर जी, मेरे जाने के बाद मीरा बहुत रोई थी क्या? हाँ मैम, पहली बार बच्चे अक्सर रोते ही हैं, बट नो प्रॉब्लम, ये लीजिए। पता नहीं खाना खाया भी या नहीं। अरे इसने तो पूरा खाना खा लिया, घर
घर पे तो बहुत मुश्किल से खाती है। हाँ, आराम से खा लिया था मैम। चलो वेलकम मैम। थैंक यू टीचर। मीरा, अरे ये क्या, मीरा सो गई? हाँ माँ जी, वो टीचर कह रही थी कि मीरा खेलते खेलते ही सो गई, लेकिन आपको पता है बीच में उसने आंखें खोली थी और खुलते उसने बटरफ्लाई और रेनबो बोला। प्रथम दिन और इतने दो भारी शब्द अंग्रेजी के सीख लिए। बटरफ्लाई मतलब तितली और रेनबो मतलब इंद्रधनुष। चलो अच्छा, इस घर में अब मेरे अलावा भी तो कोई स्मार्ट हो रहा है। अब वो मैंने सोचा कि इन वर्ड्स का मीनिंग बता दूं। अच्छा किया राशि तुमने, जो हम सबको अंग्रेजी भाषा का हिंदी में रूपांतर करके ज्ञान दिया। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारा थोड़ा हिंदी का ज्ञान बढ़ा दें। अब सोच कर बताओ, किंग कर्तव्य विमूढ़ का क्या अर्थ होता है? अब एक काम करना, किंग कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ जानकर रख लेना, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद इसका अर्थ पूछूंगी। गोपी बहू, मीरा को अपने कमरे में ले जाओ और वहां सुला दो। जी माँ जी। मोटा भाभी, एक बात तो है, गोपी वह का ये निर्णय कि इतनी छोटी मीरा को पाठशाला भेजना, जिसमें आप सभी की सहमति है, इसलिए उस निर्णय को मैंने स्वीकार तो किया, लेकिन मन में चिंता हो रही है। कोकिला, तुम तो इतने हिम्मत वाली हो, और अब जब मीरा की भलाई के लिए गोपी ने अपना मन मजबूत कर ही लिया है, तुम कमजोर मत बनो, मत चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या, मीरा अभी तक सोई है? इसकी तबीयत तो ठीक है? अरे नहीं नहीं कोकिला, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है ना, स्कूल में बच्चों के साथ शायद बहुत खेली है, इसीलिए थकान की वजह से सो रही है। अले अले अले, मेरा बेटा जग गया। मेरी गुड़िया आज स्कूल में पढ़ाई करके आई है। रेनबो। मीरा, ये देखो मम्मा क्या लाई है तुम्हारे लिए। चलो आ जाओ, अभी जल्दी जल्दी खा लो। अरे वाह ढींगली, पाठशाला जाकर मेरी ढींगली तो बहुत अच्छी बच्ची बन गई। खाने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया, फटाफट खाना खा रही हो, बहुत अच्छी बात है। अहम, दिख रहा तुमने कफ सिरप नहीं लिया, कितना खांस रहे हो तुम। हाँ मम, वो पहले पी चुका हूं, एक बार दोबारा ले लेता हूं। स्कूल दवाई, ये ऐसे क्यों कह रही है? साथ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।